मध्य प्रदेश के सीधी से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। केसर के डक की मिट्टी धंसने से नौजवान श्रमिक की मौत हो गई। मझौली थाना के ग्राम एफआर में संचालित केसर में काम कर रहे एक नौ युवक की मौत मलबे में दब जाने से हो गई है। घटना तकरीबन 6:30 बजे शाम की बताई जा रही है। बताते चले कि जनपद पंचायत मझौली के ग्राम पैपखार में संचालित साई बिल्डर्स केसर जो कि विगत कई वर्षों से लीज की जमीन पर संचालित है, किंतु लीज की अवधि समाप्त हो जाने के कारण केसर संचालक द्वारा अन्य जगह पर ले जाने के लिए केसर खुलवाया जा रहा था। उसी दौरान केसर में बने डक की मिट्टी पानी गिरने के कारण धंसने लगी, जिसमें काम कर रहे 3 मजदूर उसकी चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही केसर संचालक द्वारा आनन फानन में जेसीबी मशीन के द्वारा मिट्टी हटवाकर दबे हुए श्रमिकों को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन 2 मजदूर तो सुरक्षित बचकर निकल गए, लेकिन 3रे मजदूर को निकालते समय गर्दन जेसीबी मशीन की पॉकेट में फंस गया, जिससे सिर धड़ से अलग हो गया और घटना स्थल पर ही मजदूर की मौत हो गई। मृतक का नाम अर्जुन पिता मदन अहिरवार 17 वर्ष बताया जा रहा है, जो झांसी का रहने वाला है। घटना की सूचना मझौली पुलिस को दे दी गई है। सूचना उपरांत मौके पर पहुंची मझौली पुलिस द्वारा शव को आनन फानन में केसर संचालक के वाहन से मझौली मोर्चरी लाया गया है। घटना की सूचना मृतक के साथियों द्वारा परिजनों को दे दी गई है। इस दर्दनाक घटना में जहां केसर संचालक की घोर लापरवाही को उजागर किया है, वहीं जिम्मेवार प्रशासन अमले पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जिसके द्वारा देर रात तक गरीब और मजदूरों से उनके बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए बिना किसी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए बगैर इस बरसात के मौसम में कार्य कराया जाता है और फिर इस तरह की घटना घटित होने के बाद जेसीबी मशीन से उन्हें निकलवाने का अमानवीय कार्य किया जाता है। टोल पोस्ट के लिए मझौली से संजय सिंह की रिपोर्ट। खुल गया खुल गया खुल गया। लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9479712700, 7805818106। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।